नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब आशीष राठी। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है केविन अग्रवाल सर, जो कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है। और आज का विषय है, वो हमें बताने वाले हैं नी इंजुरी के बारे में। जनरली क्रिकेटर्स में नी इंजुरी क्यों होती है? क्रिकेटर्स में ही नहीं, जैसे आम इंसानों में नी पेन होता है, एज बढ़ने के बाद नी पेन होता है, तो उसके क्या कारण है, उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं केविन अग्रवाल सर। हेलो सर। सर, तो आज हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नी इंजुरी जो जनरल में होती है वो क्यों होती है, और एक एज के बाद जैसे एल्डर्स है वो बोलते हैं कि मुझे नी पेन हो रहा है, तो वो मतलब स्टार्ट कैसे होता है? सो नी जॉइंट एक बेसिकली वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है या आपका मसल स्ट्रेंथ डिटोरिएट होता है या फिर आपके बॉडी में विटामिन डी कैल्शियम की कमी है, तो ये सारा क्या करता है, आपके घुटने पर प्रेशर डालता है। एक रीज़न है। सेकंड ये है कि अगर आप बहुत सारा वॉकिंग कर रहे हो या स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो, आप बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ें करने के लिए, तो घुटने में दर्द होता है क्योंकि अगेन प्रेशर आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका मसल स्ट्रेंथ कम होता है और जब बॉडी वेट ज़्यादा है, स्पेशली अपर बॉडी वेट, तो वो घुटने पर लोड डालता है। जब वो लोड डालता है तब घुटना घसना चालू करता है, एंड जब घसता है तब वो पेन देता है, जिसको अपन आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, डीजनरेटिव चेंजेस हो गए, आपका कोई मिनिस्कल इंजरी हो गया या कोई लिगामेंट इंजरी हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, बोन कंट्यूशन हो गया। सो ये सब कंडीशंस है, अल्टीमेटली वो पेन देता है। ओके तो सर, जैसे मैंने मेरे घर में भी एल्डर्स है, वो उनको नी पेन होता है, तो वो रीज़न उनके ओवरवेट की वजह से नहीं है, मेनली उनके लेग्स स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर दो जन है, दोनों 100 किलो के हैं, एक बहुत फिट बंदा है 100 किलो का और एक बहुत अनफिट है, एक हाउसवाइफ है 100 किलो की, आप देखना जो हाउसवाइफ है उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि उसके पैर में उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो बॉडी वेट उतना चला पाए। और वही अगर आप देखेंगे कि दूसरा जो है वो भी 100 किलो का है, क्योंकि वो फिट है, उसके पैर पर कोई लोड ही नहीं आ रहा है, वो इनफैक्ट ज़्यादा वेट उठा के ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। तो आपका बेसिकली लेग स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है नी पेन के लिए। अगर आपका स्ट्रेंथ कम है तो डेफिनेटली आपको पेन आएगा, तो फिर आप फिर 50 किलो के रहो या 100 किलो के। जैसे मेरे क्लिनिक पे आते हैं, बहुत पतले लोग भी आते हैं जिनको नी पेन है, तो उनमें तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी वेट है इसलिए घुटने में दर्द है। इसका रीजन ये तो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूरी है रेगुलर में, तो एजेड लोग भी उन्होंने भी करना चाहिए। ये इनफैक्ट सभी को करना चाहिए, एंड अकेला नी नहीं, जब आप चलते हो तब आप अपने ग्लूट्स, आपके बैक, आपका कोर, आपके एंकल सब यूज कर रहे हो। अगर ये सारे चीजों में एक चीज भी वीक है तो वो पेन करेगा। Exactly. तो सर, ये तो रही आम इंसानों की बात, जो पर जैसे क्रिकेटर्स में मैंने ये देखा है कि एक जैसे मेरे सामने एग्जांपल हुआ था, आउटफील्ड थोड़ी गिल्ली थी फिर भी अंपायर्स ने मैच स्टार्ट कर दी थी, और मैच स्टार्ट करने के बाद एक लड़के का स्पाइक्स फंस गया था फील्डिंग करते करते, और उसका नी ट्विस्ट हो गया था। Yes. और उसके बाद वो गिरा और वो उठ ही नहीं पाया, बहुत पेनफुल था उसका कंडीशन। बाद में उन्होंने MRI में लिगामेंट टियर हुआ था। ये कैसे मतलब, तो आपका जो घुटने का आपके घुटने में बहुत सारे लिगामेंट्स है, एक का काम है आगे का स्टेबिलिटी देना, एक का पीछे का, एक का लेफ्ट का, एक का राइट का। फिर आपके घुटने में मिनिस्कल है जो गद्दी कुशनिंग का काम करता है, कार्टिलेजेस है। सो आपका जो मोड ऑफ इंजरी है वो बताता है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका डैमेज हो सकता है। तो जो आपने जैसे एग्जांपल दिया कि पैर स्पाइक्स अटक गए ग्राउंड पे एंड पैर ट्विस्ट हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका ACL लिगामेंट टेयर हुआ होगा या तो मेनिस्कल टेयर हुआ होगा। ACL और मेनिस्कस ये काफी सुनने मिलता है। तो ACL एक लिगामेंट है जो घुटने को आगे सरकने से रोकता है। okay. और मेनिस्कल शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। okay. जब ये इंजर्ड होता है तब सबसे पहले तो पेन आएगा, वो बंदा उस पर लोड नहीं डाल पाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। अगर मेनिस्कल इंजरी है तो ऐसा लगेगा कि मैंने पैर स्ट्रेट किया तो बेंड नहीं कर पा रहा हूँ, या बेंड पोजिशन में लॉक हो गया, मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। वो चलने पे उनको वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं प्रेशर डाल सकता हूँ, उनको कंप्लेन रहेगा कि पैर सरक जाएगा या पैर निकल जाएगा। सो ये बेसिकली इंजरी होता है। हर इंजरी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिफर करता है। जब इस टाइप की इंजरी होती है जो आपने बोला कि ग्राउंड पे,
तब इंस्टेंट आइसिंग एंड कॉम्प्रेशन करना है और उसको नॉन वेट बेरिंग कर देना है। okay. आप वॉकर लेके चलो या किसी फ्रेंड के सहारे आप ग्राउंड से निकल के उस पर लोड नहीं डालो। right. तुरंत आप डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपका इंजुरी क्या है, वो बताएगा। इनिशियली तो आइस एंड कॉम्प्रेशन है, बाद में फिर वो इंजुरी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। सर ये भी जो चीज़ होती है, ये भी बॉडी बैलेंस एकदम सही नहीं होने के, ये तो हमने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि हाँ। अगर आउटफील्ड गिला है, पर जनरली आउटफील्ड अच्छा भी होने के बावजूद भी कोई कोई नी ट्विस्ट हो जाता है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि उनका अपर बॉडी और लोअर बॉडी का बैलेंस जो है, दोनों में जो बैलेंस की स्ट्रेंथ वगैरह वो कमज़ोर है। अगर आपका बॉडी पहले से ही इम्बैलेंस्ड है तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्निक कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर आप फील्डिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, आपका पैर प्रॉपर लैंड नहीं कर रहा है, फॉलो थ्रू प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो पैर ऑटोमेटिकली ट्विस्ट होना चालू हो जाएगा। एंड गलती से आपका अगर स्पाइक अटक गया या फिर आपने उस डायरेक्शन में लैंड किया है जिसमें नहीं करना चाहिए, तो सडनली इंजुरी के चांसेस हैं। जनरली ये फास्ट बॉलर्स में देखा गया है कि फास्ट बॉलर पे नी पे प्रेशर आता है और जिनका फॉलो थ्रू नहीं रहता है वो जनरली और ज्यादा लोड डालते घुटने पे। इवन जो बैट्समैन है जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, जब वो बैट रख के टर्न करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर गलती से उनका पैर स्लिप हो गया या फिर ट्विस्ट हो गया तो लिगामेंट है। तो इसलिए बॉडी का जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो बैलेंस है, अलाइनमेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए कोर मेन आया ना। एक तो कोर आता है एंड देन क्या होता है, आपको अपना फ्रेंड बॉडी दिखता है आईने में। जब आप देखते हो आप मेनली अपने फ्रेंड बॉडी देखते हो, आपके शोल्डर बोन्स कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, शोल्डर जॉइंट कितना बड़ा है, आपके एब्स दिख रहे कि नहीं, आपके थाइस दिख रहे कि नहीं। लेकिन वही अगर आप बैक साइड की बात करोगे तो उसको निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपको रोज दिखता नहीं है। जब तक कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपका बैक वीक है, आपका रोटेटर कफ वीक है, जब आपका कोर वीक है, ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। आप उस पर फोकस नहीं करते हो, ये इसके कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि फ्रंट बॉडी स्ट्रांग है, बैक बॉडी वीक है, तो वो इम्बैलेंस आपको परेशान करता है। ओके, तो इसलिए ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज करना और प्रॉपर, तो आपको वो इक्विलिब्रियम बनाना है बॉडी का। एग्जैक्टली, तो इतना ही सर। यस, तो ये एक चीज़ हो गया। एंड जो आपका ट्रीटमेंट है, कुछ चीज़ होता है जैसे लिगामेंट इंजुरी जब होती है तब एक्सरसाइजेस तो घुटने के बहुत सारे हैं, बट लिगामेंट इंजुरी में आप क्लोज चेन एक्सरसाइजेस करते हो। क्लोज चेन एक्सरसाइज वो रहते हैं जिसमें आपका पैर कोई स्ट्रक्चर सरफेस पे फिक्स्ड है। Okay. आपका फीमर जो बोन है वो टीबिया पे मूव होता है। Okay. एक होता है ओपन चेन जिसमें आपका टीबिया फीमर पे मूव होता है। Okay. तो इस पे मे बी एक पूरा एक वीडियो ही बना सकते हैं, ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है। Okay. क्योंकि एक्सरसाइजेस प्री सर्जरी एक्सरसाइज डिफरेंट है, पोस्ट सर्जरी एक्सरसाइज डिफरेंट है। नी पेन, अगर जनरल नी पेन है तो आपका एक्सरसाइज डिफर करेगा। अगर आपका लिगामेंट टेयर है तो आपका ट्रीटमेंट डिफर करेगा। अगर आपका मेनिस्कल इंजुरी है तो आपका ट्रीटमेंट डिफर करेगा। हर चीज का एक एक्सरसाइज नहीं होता है। right. तो उस पे अपन मे बी नेक्स्ट वीडियो पे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली, तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको पर्सनलाइज आपका जिम ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना है, जैसे क्रिकेटर्स के लिए अलग है, आम इंसानों के लिए अलग है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली सबकी रिक्वायरमेंट्स yes. अलग होती है। जैसे कि आपने जाना, किसी को एक सोल्यूशन सबके लिए सेम नहीं है, वन सोल्यूशन फॉर ऑल इट्स नॉट राइट। तो आप पर्सनलाइज शेड्यूल बना सकते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, अपना पर्सनलाइज शेड्यूल बनाइए ताकि आपको आपके बॉडी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट वर्क करे, हाँ बॉडी वर्क करे। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।